इतनी स्पीड अप होगी कि जो चीज़ हमने सोची नहीं। तो आई एम थैंकफुल कि पता नहीं कैसे हमारे जो आदमी हैं प्रदीप जी, आपको हिमालय के चोटियों पर सच्चे अभिनय की बात एक पसंदीदा विषय रहेगी, बात शिक्षा की या संस्कृति, उसके संरक्षण की बात हो या संबंध, भारत की प्राचीन परंपरा है। इस दिशा में आज देश जो काम कर रहा है वो वाकई बहुत सराहनीय है। नेशनल एजुकेशन हमने उन तीन कॉम्पिटिशन को लेकर भी बात कर सकते जो देशभक्तियों की लोरी और रंगोली से है। आपको ध्यान, एक बार हमने देश भर के स्टोरी टेलर्स से स्टोरी टेलिंग के माध्यम से शिक्षा की भारतीय विधाओं पर चर्चा की। मेरा अटूट विश्वास है कि सामूहिक प्रयास से बड़े, और जैसा आपने बताया कि अब तो बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है और आप इतनी बड़ी मात्रा में डेली काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इन प्रयासों से उसकी बेस्टिंग और उससे वेल्थ ये लोगों के दिमाग में तस्वीर हो रहा है और पर्यावरण की रक्षा हो रही है, और हिमालय का जो हमारा गर्व है उसे संभालना संभालना तो सामान्य मानी होता है। प्रदीप जी बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। साथियों, आज देश में टूरिज्म बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। हमारे ये प्राकृतिक संसाधन नदियां, पहाड़, तालाब या फिर हमारे तीर्थ स्थल, उन्हें साफ रखना बहुत जरूरी है। टूरिज्म इंडस्ट्री की बहुत मदद है। पर्यटन में स्वच्छता के साथ साथ हमने इनक्रेडिबल इंडिया मूवमेंट की भी कई बार चर्चा की। इस मूवमेंट से लोगों को पहली बार ऐसे कितनी जगहों के बारे में पता चला जो उनके आसपास ही थे। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हमें विदेशों में टूरिज्म पर जाने से पहले हमारे देश के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए, और यह डेस्टिनेशन जिस राज्य में आप रहते हैं वहाँ तो नहीं होने चाहिए, आपके राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य में होने चाहिए। ऐसे ही हमने स्वच्छ सियाचिन, सिंगल यूज प्लास्टिक और ई वेस्ट जैसे गंभीर विषयों पर भी लगातार बात की। आज पूरी दुनिया पर्यावरण के जिस इशू को लेकर इतना परेशान है, उसके समाधान में मन की बात का ये प्रयास बहुत अहम है। साथियों, मन की बात को लेकर मुझे इस बार एक और खास संदेश यूनेस्को के डीजी है। मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा में जेंडर रेशियो पर काफी चर्चा होती थी, और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया। और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विद डॉक्टर एक ग्लोबल कैंपेन हो गया है, और इसमें मुद्दा सेल्फी नहीं थी, टेक्नोलॉजी जो थी इसमें डॉक्टर को बेटी को प्रमुखता दी गई। जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है, इस अभियान से यह भी प्रकट हुआ। ऐसे ही अनेकों प्रयासों का परिणाम है। हेमलता एनके जी को ऐसे अनेक शिक्षकों के उदाहरण हमने मन की बात में लिए हैं। हमने कल्चरल प्रिजर्वेशन के प्रयासों को भी मन की बात में लगातार जगह दिया है। लक्षद्वीप का उम्मेद ब्रदर चैलेंजर्स क्लब या कर्नाटका के पेड़ सिंह जी कला चेतना जैसे मंच देश के कोने कोने से लोगों मुझे चिट्ठी लिखी ऐसे उदाहरण। हमने उन तीन कॉम्पिटिशन को लेकर भी बात की थी
जो देशभक्ति को ही लोरी और रंगोली से जुड़े। आपको ध्यान होगा, एक बार हमने देशभक्ति स्टोरी टेलर्स से स्टोरी टेलिंग के माध्यम से शिक्षा की भारतीय विधाओं पर चर्चा की। मेरा अटूट विश्वास है कि सामूहिक प्रयास से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इस साल हम जहां आजादी के अमृतकाल में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं G20 की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। यह भी एक वजह है कि एजुकेशन के साथ साथ डायवर्स ग्लोबल कल्चर्स को समृद्ध करने के लिए हमारा संकल्प और मजबूत होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे उपनिषदों का एक मंत्र सदियों से हमारे मानस को प्रेरणा दे रहा है, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। मन की बात हमेशा सद्भावना, सेवा भावना और कर्तव्य भावना से ही आगे बढ़ा है। आजादी के अमृत काल में यही पॉजिटिविटी देश को आगे ले जाएगी, नई ऊंचाई पर ले जाएगी। और मुझे खुशी कि मन की बात से जो शुरुआत हुई वो आज देश की नई परंपरा भी बन रही है, एक ऐसी परंपरा जिस पर हमें सबका प्रयास की भावना के दर्शन होते हैं। साथियों, मैं आज आकाशवाणी के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा जो बहुत धैर्य के साथ इस पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं। वो ट्रांसलेटर्स जो बहुत ही कम समय में बहुत तेजी के साथ मन की बात का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करते हैं, मैं उनका भी आभारी हूं। मैं दूरदर्शन के और माय गॉव के साथियों को भी धन्यवाद देता हूं। देश भर के टीवी चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो मन की बात को बिना कॉमर्शियल ब्रेक के दिखाते हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आखिर में मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा जो मन की बात की कमान संभाले हुए हैं, भारत के लोग, भारत में आस्था रखने वाले। ये सब कुछ आपस से ही संभव हो गया है। साथियों, वैसे तो मेरे मन में इतना कुछ कहने को है कि समय और शब्द दोनों को पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सब मेरे भावों को समझेंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे। आपके परिवार के हम सदस्य बन गए, मन की बात के सहारे आपके बीच में रहा, आपके बीच में रहा। अगले महीने हमें एक बार फिर मिलेंगे, फिर से नए विषय और नए जानकारी के साथ देशवासियों की सफलताओं को सेलिब्रेट करें। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं और अपना और आपका खूब आभार।